राजा मौजूद हैं घास लाने के लिए मार्केट में, तो पूरी मार्केट का रिव्यू करना है तो उसको पहले रिव्यू कर लेते हैं। और जिन लोगों ने चाहे सब्सक्राइब नहीं करो टाइम नहीं सब्सक्राइब करें चाहे आपको लाइक भी करना है और कमेंट सेक्शन में सुन रहे हैं वो वीडियो कैसे तो आइए हम देखते हैं लाइक क्या है सारी जनरेशन है मौजूद है, मिड रेंज में भी है और हाई ऑलराउंडिंग के लिए एचपी का देना या ये हाई लेवल का है। i5 6th जनरेशन 2.5 प्रोसेसर है, 4GB और 250GB M1। तो मतलब ये हैवी प्रोसेसर है। क्या प्राइस है इसकी? ये आपको पड़ेगा सर जी, ये वैसे काउंटर सेल हम लोग करते हैं 51 से 52 हज़ार का। DDR4 वाला है, ये 4 कोर का प्रोसेसर होता है, इसमें 4 कोर वर्क करते हैं। DDR4 i5 6th जनरेशन, ये इसका मॉडल नंबर ये लिखा हुआ है ना, 8th जनरेशन है ये। ठीक है, 4A जनरेशन। ठीक है, अच्छा से क्या फाइनल क्या प्राइस है इसका? ये अगर कस्टमर अगर इंटरेस्टेड हो लेने में तो ये सर जी ये फाइनल 48 49 इसमें फाइनल 45 तक कर लेंगे। अच्छा, इसके अलावा बाकी इनोवा में ये मिड रेंज के हैं, i7 सेकंड जनरेशन है, 4GB 320GB के साथ, ये मिनिमम 22 से 23 हज़ार रुपये तक का है लैपटॉप। इसके अलावा i7 फर्स्ट जनरेशन आपको मिल जाएगा ये 17 हज़ार रुपये का, 4GB 320GB के साथ, प्लस टच इससे टच है। अच्छा, टच एंड टाइप है। इसको तो दिखाएंगे ना जी, फिजिकली चेक कर लेते हैं एकदम। ये टच है, ये प्लस, ये टच, ठीक है, ये टच है, ठीक है। इसका क्या प्राइस है? ये मिनिमम i7 फर्स्ट जनरेशन है, ये पड़ेगा तकरीबन 18 हज़ार रुपए का। 18 फाइनल 18। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 4GB 320GB हार्ड ड्राइव है इसमें, i7 फर्स्ट जनरेशन है ये। अगर इसी में आप i7 सेकंड लेंगे तो वो आपको पड़ेगा 26 हज़ार रुपये का। तो फाइनल कितने हो जाएंगे इसके? इसके ये फाइनल तकरीबन 16.5-17 में देंगे। अच्छा, इसके अलावा ये लेटेस्ट मॉडल है, पोजिस्ट होगा i3 4th जनरेशन। ठीक है, इसके क्या प्राइस है? 4GB 500GB के साथ ये हम लोग काउंटर सेल करते हैं, वैसे कस्टमर को बताने वाले इसके 26 हज़ार रुपये होते हैं। ठीक है, ये फाइनल 23.5-24 में फाइनल दे देते हैं। बाकी इसके अलावा i7 7th जनरेशन है, ये है, ये i7 7th जनरेशन है, ये i3 6th जनरेशन है और ये i5 7th जनरेशन है, ये मिल जाएंगे। इसके अलावा AMD भी मिल जाएंगे, AMD की मशीनें भी मिल जाएंगी, 8.2 से लेके 8.10 तक मशीन है सारी। अच्छा, इनके डिफरेंट प्राइसेस हैं, मतलब कि इसे इनके बताइए कुछ डिफरेंट प्राइसेस है। ये सिस्टम i5 7, ये वाला i3 6th जनरेशन है, ये आपको पड़ेगा 41,000 फाइनली मिनिमम वही 38-39 तक, 35 तक। ठीक है, ये i7 6th जनरेशन है, ये 4GB 500GB के साथ, ये पड़ेगा तकरीबन 60 हज़ार रुपये का, i7 6th जनरेशन है। इसके अलावा i5 7th जनरेशन है, ये आपको पड़ेगा 48 का। इसके अलावा AMD की मशीन है, AMD A10 है, A10 की 6th जनरेशन है, ये i5 5th जनरेशन है 4500 के साथ। ठीक है, और इसी के साथ ये AMD की टच एंड टाइप वाली मशीन है। अच्छा, वो दिखाए टच एंड टाइप दिखाएगा, ये AMD की 6th जनरेशन है, 4GB 320GB प्लस टच स्क्रीन है। अच्छा, इसे क्या प्राइस बता रहे हैं? 36। अच्छा, हमारे चैनल के रेफरेंस से थोड़ा सा ख्याल कर लीजिएगा, बल्कि अच्छा खासा करीब कीजिएगा।
टच स्क्रीन है, ठीक है, फ्लैश स्क्रीन है, मिंट टाइम है, मिंट, ठीक है, कंडीशन भी ऑलमोस्ट 10 टू 10 है। तो इसकी वारंटी वगैरह सिस्टम कितने की दे रहे हैं आप लैपटॉप में? सर जी वारंटी हम लोग देते हैं 10 से 15 दिन की चेकिंग वारंटी होती है डेड डैमेज के अलावा, बाकी कीबोर्ड माउस अदर चीज़ों की जो वारंटी होती है वही होती है, डेड डैमेज के अलावा बाकी हर चीज़ की वारंटी देते हैं। अच्छा कोई और चीप कोई आपके पास कोई पड़ा हो कुछ चीप अमाउंट पे मिल जाए? चीप अमाउंट में आपको ग्लॉसी में ये मिल जाए, अब जैसे ये है, ये जापानी ब्रांड है, ठीक है, ये जापानी ब्रांड है लेकिन इसको कन्वर्ट किया जाता है MSI में, ये i3 सेकंड जनरेशन है, 4GB 250GB के साथ, ये चीपेस्ट प्राइस में होता है 16 से 17 हज़ार i3 सेकंड। ये फाइनली 16-17 है, इससे मजीद और भी कुछ डिस्काउंट? ऑलमोस्ट 17 तक होते हैं, 16 फाइनल है, 16 इसी में एक दो मॉडल और है, ये i3 सेकंड है, ये भी 16 से 17 हज़ार रुपये का है। बाकी एक दो मॉडल है i3 थर्ड जनरेशन, ये अगर आप अदर उसमें Dell HP में लेंगे तो वो आपको तकरीबन ये 20-22-23 हज़ार रुपये का पड़ेगा, अगर इसमें अदर ब्रांड में लेंगे, ये जापानी ब्रांड होता है MSI में कन्वर्ट होता है, ये आपको पड़ेगा 19 हज़ार रुपये का। अच्छा फाइनल 19 जी फाइनल प्राइसिंग में ऊपर नीचे हो जाता है लेकिन परफॉर्मेंस देखी जाती है, ठीक है। ये i3 फोर्थ जनरेशन है, सिंपल टाइपिंग से मतलब ये अगर आप डेल HP में लेंगे तो तकरीबन आपको 30-32 तक का मिलेगा i3 फोर्थ जनरेशन या फिफ्थ जनरेशन, ये आपको पड़ेगा 22 हज़ार रुपये का, क्योंकि ये है जापानी ब्रांड। ओके इसी के साथ अगर बिजनेस में चाहिए तो बिजनेस में डेल मिल जाएगा i5 सेकंड जनरेशन, ये आपको पड़ेगा i5 सेकंड जनरेशन है, ये आपको पड़ेगा 22 हज़ार रुपये का। मजीद मतलब डिस्काउंट नहीं है? डिस्काउंट वो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, ओके, कैसा आता है कस्टमर। बाकी इसके अलावा ऑल इन वन मिल जाएगा, ऑल इन वन मिल जाते हैं, इसमें आपको i5 फोर्थ जनरेशन और i5 6। जी जुनैद भाई और दिखाइए। इसके अलावा ये i5 सेकंड जनरेशन है, ये डेल की है, टच एंड टाइप वाली, टच एंड टाइप है, ये फ्लैप है, फ्लैप में तो आपके पास अच्छे अच्छे लैपटॉप हैं, ये फ्लैप डाउन हो गया, इसका क्या प्राइस है? 23 हज़ार रुपये फाइनल, 23 या 20 तक ले जाएंगे, 21-22 में फाइनल दे देते हैं, डिफेंड कस्टमर के उस पर होता है कि कस्टमर के साथ, ये 23 हज़ार रुपये का। इसके अलावा ये मिल जाएगी, खूबसूरत मशीन है और परफॉर्मेंस वाइज भी अच्छी है इसकी, i3 सेकंड जनरेशन है, ये 4GB 250GB के साथ, ये लिनोवो की, इसका प्राइस ऑलमोस्ट 10 to 10। ओ ये कितने का है? ये आपको पड़ेगा सर जी i3 सेकंड जनरेशन का 21 हज़ार रुपये। इसके अलावा MD की है यार, कुछ मुनासिब भी दिखाओ यार, कुछ मिड रेंज ऐसे है कि कोई अफोर्ड भी कर सके, और आपके पास है मिड रेंज में कोटुडू मिल जाएंगे, कोटुडू की अवेलेबल है, कोई भी सिस्टम में कोई मशीन दिखाई देगा, कोटुडू देना वहां से वो रखे हुए आइटम दिखाओ, मिनी आइटम ब्लू वाला भी दो, टाइल वाला जी जुनैद भाई। मिड रेंज में अगर नॉर्मल यूज के लिए चाहिए तो ये मिल जाएगा, सेलरॉन की थर्ड जनरेशन है, ये 2GB 32GB, 2GB 32GB जी वेबकैम के साथ, नॉर्मल यूज के लिए थर्ड जनरेशन है, कोई ज्यादा कम नहीं, इसकी मेमोरी है और रैम मेमोरी, मेमोरी एक्सटेंड हो सकती है मेमोरी कार्ड के जरिए। अच्छा मेमोरी कार्ड इसमें लेते हैं जी, सपोर्टेड है, सपोर्टेड है, 256GB तक मेमोरी कार्ड सपोर्टेड है। अच्छा है कितने का ये सिस्टम? ये आपको पड़ेगा 14 हज़ार। अच्छा फुल ग्लॉसी बॉडी में, इसके स्क्रीन में मसल नहीं लग रहा ऐसे, चेक करें, पन्नी चढ़ी है, पन्नी वाइज हो रहा है, अच्छा ठीक है। बाकी स्क्रीन इसकी फ्रेश है, कंडीशन 10 to 9 है, और फाइनल क्या हो जाएंगे इसके? ओरिजिनल चार्जर के साथ ये तकरीबन 10 से 12 हज़ार रुपये में फाइनल दे, 10 तक मतलब ले जाएंगे आप जी, ठीक है ओके। बाकी इसके अलावा एक ये मिनी आइटम है लिनोवो का, नॉर्मल मिड रेंज में DDR3 वाला, ये 2GB 120GB के साथ, कंडीशन ओके होती है, ये आपको पड़ेगा सर जी बताने वाले तो 10 होते हैं लेकिन फाइनल 5-4-5 तक, हाँ नहीं
8:30 तक। अच्छा 7-8 तक ले जाएंगे आप। बाकी इसके अलावा और भी आइटम लगे हुए हैं यहाँ पे, बाकी इसके अलावा कोटू दूध भी है, ये डेल का कोटू है, सबसे कामयाब तरीन मॉडल है, D630 2GB 160GB के साथ ये सेल करते हैं हम लोग तकरीबन फाइनल 8,000, 8,500-9,000 में फाइनल। बाकी इसके अलावा गेटवे मिल जाएगा। अच्छा, ये इसके डेल के एसी की फाइनल कितना हो जाएंगे जुनैद? ये जो अभी रखा सिस्टम आपने, ये डेल वाला जो है, डेल वाले के फाइनल 8,000 फाइनल 2GB 160GB। बाकी एक ये मिल जाएगा फोटो डू में 2GB 120GB गेटवे, ठीक है। ये कंडीशन 10-9 है ओरिजिनल चार्जर के साथ, ये पड़ेगा फाइनल 7,500 रुपये, बताने वाले 9,000-8,500 होते हैं, फाइनल 7,500 में दे देते हैं। बाकी इसके अलावा HP के मॉडल मिल जाएंगे, ये रहा ये HP मॉडल है 8460 i5 सेकंड जनरेशन है 8460, ठीक है। इसके अलावा ये मशीन है ओरिजिनल चार्जर के साथ, ये पड़ती है सर जी फाइनल 21,500 i5 सेकंड है ना जनरेशन ऊपर की, अगर इसी तरह जनरेशन ऊपर जाती रहेगी तो पैसे बढ़ते रहेंगे। ओके, बाकी एक ये मिल जाएगी ग्लॉसी बॉडी, ये नोवो की है, ये ग्लॉसी बॉडी है i7 4th जनरेशन है 4GB 500GB के साथ, जनरेशन 4th है जी, i7 की 4th जनरेशन है, ठीक है। ये अगर डेल HP में अगर लेंगे i7 4th जनरेशन तो कम से कम 35,000-36,000 रुपए की। और ये कितने दे रहे हैं? ये आपको पड़ेगी बिल्कुल फाइनल 30,000-32,000 रुपए, मतलब 30 तक की फाइनल, ठीक है। मजीद और भी डिस्काउंट हो जाएगा जी, ठीक है, ओके, अगर आपकी रेफरेंस आएंगे तो, ठीक है, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा एक ये लिनोवो का मॉडल है i5 सेकंड जनरेशन 4GB 250GB प्लस नम पैड है और 15.6 की स्क्रीन साइज है, वो जो आपको दिखाया था वो 14.6 की स्क्रीन थी, उसमें नम पैड नहीं था, ये नम पैड के साथ है। ये कस्टमर को अगर बताने वाले हो तो तकरीबन 24,500-24,000 रुपये होता है, ये फाइनल पड़ती है, स्क्रीन साइज देखा जाता है और नम पैड देखा जाता है, उसके साथ ये पड़ती है फाइनल 22,000, ठीक है। कितना फाइनल कितना हो जाएगा? फाइनल ये दे देते 21,500 बस, ठीक है। अच्छा, ये सिस्टम भी पड़े हैं आपके पास? है सिस्टम ही है, सिस्टम खाली सिस्टम नहीं है, ये सिस्टम एक अपने ही है, जानने वाले उनका सिस्टम पड़ा हुआ ही, अगर सिस्टम में कस्टमर आते तो सिस्टम में भी हम लोग आपके पास हैं, मतलब सिस्टम वगैरह अरेंज करवा देंगे, अरेंज करवा देते हैं। आई सी डी जो फोटू डू वो LCD भी अरेंज हो जाती है, चार्जर बैटरियाँ लैपटॉप भी सब मिल जाएगा। अच्छा, ये सब इनके साथ ओरिजिनल चार्जर साथ ओरिजिनल चार्जर है, ओरिजिनल चार्जर, चेकिंग वारंटी 10-15 दिन की देते हैं डेड डैमेज के अलावा। अच्छा, बस यही है, और भी कोई सिस्टम मशीन पड़ी है? सिस्टम लिनोवो वाले पड़े हैं सर जी, लिनोवो वाले, बाकी ये है, ये भी टच एंड टाइप लग रहा है, ये टच एंड टाइप है, ये i5 चेक किया था, हाँ i5 थर्ड जनरेशन है 4GB 320GB के साथ। इसे क्या प्राइस बता देते? ये 12-14 कितने बताए थे आपने? ये फाइनल बिल्कुल फाइनल पड़ेगा 20,000, फाइनल i5 थर्ड जनरेशन, थर्ड है, ठीक है, थर्ड जनरेशन टच एंड टाइप वाली मशीन, ठीक है। इसके अलावा तो बाकी आपके सामने बाकी और मजीद और दिखा दिए मैंने आपको, एप्पल की बनाए पीछे व्हाइट वाले, हाँ एप्पल है वो दिखाइए, फोटो टू है, ये मैकबुक है एप्पल की, मैकबुक है, ये फोटो टू है, ये 2007 का वर्जन है, ठीक है, 2GB 100GB के साथ, ये पड़ता है तकरीबन 7-8,000 रुपए में दे। इसकी बैटरी बैकअप वगैरह भी, बैटरी बैकअप 1.5 से 2 घंटा होता है, 9 मिनट 2 घंटे नॉर्मली होता है। फाइनल मजीद कितना हो जाएगा ये इसका एप्पल के? ये एप्पल फाइनल सर जी दे देते हैं 7-7.5 में, बाकी ये HP i5 सेकंड जनरेशन, ठीक है, ये भी टच एंड टाइप है, ये टच एंड टाइप। इसे क्या प्राइस होगा फाइनली? ये बिल्कुल फाइनल पड़ेगा सर जी, बिल्कुल फाइनल 18,500, ठीक है। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा इनफ हो गया है, कुछ और भी हैं? बस इनफ, बड़ी जनरेशन है, बड़ी जनरेशन है भाई। मेरा नाम जुनेहद है, मेरा नंबर है 03-15-29-17-036 और शॉप एड्रेस है नास डिजिटल प्लाजा, शॉप नंबर 157 MSGNA रोड सदर कराची।
आज है।